अरब सागर में पनपना चक्रवाती तूफान बिपरजॉय तेजी से भारत के तटीय इलाकों की तरफ बढ़ रहा है। ये एक चिंता का विषय है। अरब सागर से सटे सभी राज्य यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक व केरल में इसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पहले केरल, कर्नाटक और गोवा के बाद महाराष्ट्र के मुंबई समेत कई शहरों में बारिश और तेज रफ्तार से तूफानी हवाएं चलनी शुरू हुई। गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ के तटों पर भी तेज हवाएं चल रही हैं। जामनगर और मुंबई में हाई अलर्ट देखने को मिल रहा है। समंदर में ऊंची लहरें उठ रही हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों के तटीय इलाकों में हाई अलर्ट कर दिया गया है। वहीं इसका असर राजस्थान के कुछ इलाकों में भी देखने को मिलेगा। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे हवाओं की रफ्तार भी तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके चलते पेड़ों के टूटने और बिजली तथा फोन लाइनों को उखड़ने का नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। वहीं निचले इलाकों में रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेज दिया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बिपरजॉय 13 जून 2023 को रात 2:30 बजे पूर्वोत्तर और आसपास के पूर्वी मध्य अरब सागर में पोरबंदर से लगभग 290 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में और जखाऊ बंदरगाह से 360 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में केंद्रित था, जो अब आगे बढ़ चुका है। IMD के मुताबिक बिपरजॉय सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय इलाकों में 15 जून को पहुंच सकता है। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश TV और बेल आइकन दबाना न भूलें।